बेटे की शहादत के बाद पिता पर टूटा दुखों का पहाड़, बिगड़ी तबीयत। शहीद जवान रामानुज कुमार अभी पिछले महीने ही बहन की शादी में हुए थे शरीक। दरअसल लद्दाख में हुए दर्दनाक हादसे में शहीद जवान रामानुज कुमार अभी पिछले महीने ही अपनी बहन की शादी में शरीक होने आए थे। 26 अप्रैल को वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह उनका घर पर आना आखिरी बार ही होगा। उनके पिता ने जाते वक्त रामानुज कुमार से कहा था, बेटा जल्द ही आना, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा इतनी जल्दी तो आएगा लेकिन तिरंगे में लिपट कर। शहीद के पिता ललन यादव एक किसान हैं, और अक्सर यही होता है कि पिता किसान और बेटा देश पर मर मिटने वाला जवान होता है। रामानुज तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। बड़े भाई जयप्रकाश प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और दूसरे नंबर पर रामजीत कुमार हैं जो रेलवे में नौकरी करते हैं। रामानुज का चयन महाराष्ट्र मराठा रेजिमेंट में 2016 में हुआ था। उनके चयन के बाद घर की माली हालत में काफ़ी सुधार हुआ था और यहां तक कि बहन की शादी के खर्च के लिए पैसे का भी जुगाड़ हुआ। रामानुज ने अपने वेतन को बचाया और बहन की शादी में आर्थिक मदद करने के साथ ही घर की मरम्मत कराने में योगदान भी दिया था। रामानुज के शहीद होने के खबर से पालीगंज के परियो गांव स्थित पैतृक गांव में मातम पसरा हुआ है। शुक्रवार के दिन से ही उनके गांव के साथ ही आसपास के गांव के लोगों का जमावड़ा भी उनके घर पर लगा हुआ है। सारे ग्रामीणों के मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि यह क्या हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि रामानुज काफी मिलनसार था और शांत चित्त का था। उसे झगड़ा झंझट से कोई मतलब ही नहीं था। वह बहन की शादी में भी आया तो केवल अपने काम में ही लगा रहा। ग्रामीणों का कहना था कि बचपन से लेकर आज तक उसने किसी से बहस तक नहीं की थी, लेकिन क्या कहें साहेब, किसी की अच्छाई उसके जाने के बाद ही पता चलती है। रामानुज तो शहीद हो गए, लेकिन छोड़ गए अपने पीछे एक रोता बिलखता परिवार, जिस परिवार के कभी वो लाडले हुआ करते थे। लेकिन धन्य है वो माता पिता जिन्होंने देश के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। जय हिंद, जय भारत।